नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरल सिलाई A to Z में। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में सलवार बनाने का बहुत ही आसान तरीका सिखाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, सलवार बनाने के लिए हमारे पास 2 मीटर कपड़ा है, जिसे हम खोल करके टेबल पर बिछा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसे हमें बिछाना है। ये इसकी चौड़ाई वाली साइड है, ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है। इसे एक और बार फोल्ड करेंगे हम। ये देखिए, ये इसकी लंबाई वाली है और ये चौड़ाई वाला है, तो चौड़ाई वाले साइड से हमें इसे एक और बार मोड़ना है। इस तरीके से इसे हम पूरा मोड़ लेंगे। पहले लंबाई में मोड़ेंगे, फिर उसके बाद चौड़ाई में इसको हम मोड़ लेंगे। इस कपड़े में बंद भाग मेरी तरफ है और खुला वाला दूसरी तरफ है। अब देखिए, हमें नीचे से 2 इंच पर निशान लगाना है, नीचे से मोहरी मोड़ने के लिए, और मोहरी का निशान लगाना है। मोहरी 12 है, तो 12 का आधा 6 होता है, 6 पर निशान लगाएंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हम निशान लगा लेंगे। अब हमारे सलवार की लंबाई जितनी भी है, उसमें से हम 7 इंच माइनस कर देंगे बेल्ट के लिए और उतने पर निशान लगा लेंगे। तो 40 हमारी लंबाई है, 40 में 7 इंच हम माइनस करेंगे तो 33 आ जाएगा, 33 में 1 प्लस करेंगे तो 34 पर हम निशान लगा लेंगे। 34 इसकी पूरी लंबाई ले लेंगे और जितना भी कपड़े का अर्ज है पूरा हम ले करके इसकी चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। ये देखिए, इसकी चौड़ाई है। अब कपड़े के खुली वाली साइड से हम 2 इंच अंदर की ओर निशान लगाएंगे और नीचे 9 इंच हम निशान लगा लेंगे आसन के लिए। ये देखिए, हिप राउंड 36 है, 36 को 4 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा, 9 पर हम निशान लगा लेंगे। इस तरीके से अब गोलाई बना लेंगे। अब मोहरी वाले निशान को और जो आसन वाला है उसको हम मिला लेंगे तिरछा। अब यहाँ से तिरछा निशान लगा देंगे ताकि मोड़ते समय हमें दिक्कत ना हो। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम बेल्ट बनाने के लिए जो बचा हुआ कपड़ा था उसको हम पहले जोड़ लेंगे। तो देखिए इसको किस तरीके से जोड़ना है, ये तिरछा तिरछा बचा हुआ है तो इसको हमें इस तरीके से जोड़ लेना है। इस तरीके से जोड़ करके 2 कपड़ा हम निकाल लेंगे। अब देखिए, हमारा 2 कपड़ा हो गया। अब हम इसी में बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो बेल्ट का निशान लगाने के लिए पहले इन दोनों को रख लेंगे। अब हमें बेल्ट की लंबाई 7 चाहिए तो हम 9 पर निशान लगाएंगे। आधा इंच नीचे से मोड़ने में और 1.5 इंच ऊपर से मोड़ने में जाएगा और इसकी चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। इसकी चौड़ाई हम 24 रखेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, कटिंग हो जाने के बाद 1 इंच एक साइड से और 1 इंच दूसरे साइड से हम निशान लगा करके इस पर सिलाई चला लेंगे। यहाँ पर हमें पूरी सिलाई चलानी है और यहाँ पर हमें सिलते समय थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पर भी हम सीधी सिलाई चला लेंगे, बस 1 इंच का हमें डोरी डालने के लिए छोड़ देना होगा। अब हम फिनिशिंग के लिए ये जो बचा हुआ है इसे हम मोड़ करके सिल लेंगे।
अब हम इसको इस तरीके से मोड़ करके हम इस पर सिलाई चला लेंगे। ये देखिए 7 इंच का हमारा बेल्ट तैयार हो गया। अब हम मोहरी वाला हिस्सा सिलेंगे। तो मोहरी में ये हम बकरम लगा करके नाप करके कटिंग कर लेंगे और इस तरीके से इसको मोड़ लेंगे और इस पर हम सिलाई चला लेंगे। इस तरीके से आप सीधी सीधी सिलाई चला करके आप इसकी मोहरी बना सकती हैं। अगर आपको कोई डिज़ाइन देनी है मोहरी में तो इस तरीके से चला सकती है मशीन। इस तरीके से हम दोनों मोहरी की सिलाई कर लेंगे। अब हमें मियानी की कटिंग करनी है। मियानी की कटिंग करने के लिए जितना भी आपका हिप राउंड है उसको हम 6 से भाग देंगे तो 36 है तो 6 आ जाएगा। तो 6 इंच इसकी लंबाई और 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी। 6 और 7 का हम एक बॉक्स बना लेंगे और उसको ये देखिए कटिंग करके हम इसको निकाल लेंगे। ये 6 और 7 का हमारा बॉक्स है। हम इसको इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। अब कोने से हम अब इसके कोने से 3 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से गोलाई का हम निशान लगाना है। इस तरीके से दूसरे मियानी की भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा मियानी तैयार हो गया। ये हमारा बेल्ट है। ये हमारी दोनों मोहरी भी तैयार हो गई है। अब हम मियानी को जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम सलवार को रख लेंगे। इसमें इस तरीके से हमें मियानी को जोड़ना है। देखिए इस तरीके से इसको लगा करके हम सिलाई चला लेंगे। इस तरीके से हम मियानी जोड़ लेंगे। अब हम इसमें मोहरी का निशान लगा लेंगे। मोहरी 12 था, 12 का आधा 6 होता है। 6 पर हम निशान लगा करके पूरा किनारे से हम सिलाई चला लेंगे। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमें फेसबुक पर भी सरल सिलाई A to Z के नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं ऐसी ही वीडियो अपलोड करती हूँ। इस तरीके से हम दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। अब हम इसको देखिए फैला करके रख लेंगे और बेल्ट को जोड़ेंगे। तो इसका जो बीचों बीच वाला हिस्सा है उसको नीचे के साइड में हम जोड़ेंगे। ये देखिए ये दोनों बीचों बीच वाले हिस्से को जोड़ लेंगे और यहाँ तक इसके निशान लगा लेंगे जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। और दूसरी साइड भी हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इस पर हम सीधी सिलाई चला लेंगे। ये हमारा आगे वाला हिस्सा होगा।
सबसे पहले हम सलवार को सिल लेंगे। अब हम बेल्ट जोड़ेंगे, बेल्ट में भी सीधी सिलाई चला लेंगे। ये देखिए निशान लगा था, इस निशान से हम सीधी सिलाई चला लेंगे और बाकी जितना भी हिस्सा बचेगा उसे हम प्लेट्स दे देंगे। ये हमारा आगे वाला हिस्सा हो गया, जितना बचा है उसमें हम चूनर दे देंगे। अब हम इस तरीके से चूनर दे देंगे, हमारा सलवार तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारा सलवार बन गया, इसको हम प्रेस कर लेंगे। ये देखिए, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।